हेलो नमस्ते कुलुम्बा, मैं सुष्मिता आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज काफी दिन बाद कड़क धूप आया है, मतलब आज पहली बार होगा कि मैं धूप देख के इतना ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिसके घर में बच्चे हैं वो लोग ये पेन को समझ सकते हैं, क्योंकि कितना सारा कपड़ा होता है सूखने के लिए बच्चों का। और मेरा तो बहुत सारा कपड़ा धोना था, सूखना था, वो फाइनली सूख गया। कल भी थोड़ा धूप दिया था, आज भी थोड़ा धूप है तो सूख गया। लेकिन धूप जी है ना, मतलब जो हमारे सूर्य देवता है, बहुत दिन तक रहने वाले है, गर्मी भी लगेगा, अब क्या ही कर सकते हैं। बारिश इतना दिया, बारिश की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, इससे अच्छा है कि धूप ही रहे, थोड़ा सहना पड़ लेगा। और आज है आमटीशुआ, मतलब आज से आमटीशुआ स्टार्ट है। तो आप लोगों को पता होगा कि गुवाहाटी में अंबुबासी मेला चलने वाला है, जो कि हमारा माँ कामाख्या का अभी ईयरली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो इस हिसाब से हम मनाते हैं, इसको मानते हैं। तो इस टाइम पे जो है ना, किसान लोग भी खेत में काम वगैरह नहीं करता, जमीन वगैरह खोदते नहीं है, क्योंकि हम आर्थ को मतलब पूजा करते हैं ना, इसीलिए तो इसीलिए। और आज के दिन ना फ्रूट्स वगैरह भी खाया जाता है, तो हम हमारे घर में जो कटहल आम वगैरह है वो सब खाते हैं। देखते हैं, कटहल तो है हमारे घर में बहुत ज्यादा, और आम भी सुबह ही बहुत सारा हमने निकाल लिया था। देखते हैं और क्या क्या फ्रूट्स है जो खाने लायक है, तो वो सब लेके आने वाले है, आप लोग भी देखते रहिए। ये देखिए हमारे घर में लेरको भी है, क्या बोलता है सबके मतलब अपने अपने भाषा में, आप लोग को पता है कि नहीं बोलना है। नेपाली में कुसुम बोलता है और बोडो में और क्या बोलता है, कुसुमाई भी बोलता है बोले। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, पक गया है, ऊपर ज्यादा पका हुआ है, लेकिन अभी नीचे का ही ले लेते हम लोग। दियान को काफी पसंद है ना, तभी खा रहा था। ये भी गजन मजा मन दंग मन, ये ऊपर का जो है अच्छे से पका हुआ है। बड़ा बड़ा हुआ है ऊपर का ना, उठ सकने से अच्छा होता, और इधर पाइनएप्पल भी था लेकिन ऐसे से हुआ नहीं, तो इस बार हम नहीं खा सकते, बाद में खा लेंगे। अभी कटहल भी लेंगे, पक गया सब, ये भी पका है, इतना तो हम नहीं खा सकते क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता पका हुआ कटहल खाना, मतलब माँ ही खाते जितना खाते है। एक दो खाएंगे नाम पे, ओ भारी होता है कटहल जी। चलो मैं ही लेके जाती हूँ, तो अभी ना मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सैलून में जाके फेशियल करूँ, तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो सैलून में जाके फेशियल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सैलून में जो इंस्टेंट ग्लो मिलता है वो हर कहीं पे नहीं मिलता। लेकिन सैलून में फेशियल का मतलब तो सबसे पहले याद आता है खर्चे की बात, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। हर किसी की बस की बात नहीं, मेरी तो बस की बात नहीं। और दूसरा जो है वो काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, मतलब उनके टाइम के हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है, तो हर किसी के पास इतना टाइम तो नहीं होता, स्पेशली हम हाउस वाइफ या फिर बच्चे की माँ के पास तो इतना टाइम नहीं होता। और दूसरा जो मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, वो लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आजकल तो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो वो सब मेरे स्किन में सूट करेगा कि नहीं, वो बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरा स्किन जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा ऐसी रिसर्च करती रहती हूँ, घर में भी जो होम रेमेडीज वगैरह है वो ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन वो मतलब सैलून वाला फेशियल ग्लो बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब जो आता है तो मुझे मतलब हमेशा से वो ग्लो चाहिए होता था। लेकिन ऐसे मैं बहुत कुछ ढूंढती रहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिला इस बार, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि हर किसी की मतलब चाहत होती है कि ग्लोइंग स्किन पाना, तो ऑब्वियसली मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि है ये न्यूट का 30 मिनट्स डे आई वाई मेकओवर फेशियल किट, जो कि बहुत ही बढ़िया फेशियल किट है। जैसे सैलून में बहुत ही मल्टी स्टेप से हम लोग को मतलब फेशियल कराया जाता है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, मतलब यहाँ पे 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद हमें ग्लोइंग स्किन मिल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, बजट फ्रेंडली तो है ही, ऊपर से स्किन फ्रेंडली भी है, मतलब यहाँ पे मतलब स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट से बना है, मतलब डरने की कोई भी बात नहीं, सबकी स्किन के लिए मतलब सुइटेबल है। तो ये यहाँ पे कुछ भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, यहाँ पे सल्फेट फ्री है, पैराविन फ्री है, एमएसजी फ्री है, डीई फ्री है, मतलब कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे आप लोग को इससे 6 स्टेप्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे और एक रह गया, तो ये 6 स्टेप्स है, तो यहाँ पे आप लोग को फॉलो करना है स्टेप्स। तो यहाँ पे आप लोग को सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, आप लोग को कैसे लगाना है, कितना टाइम तक रखना है, तो कोई भी मतलब झंझट की बात नहीं है। तो मैं आप लोग को ये एक एक करके लगा के दिखाती हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। इस फेशियल किट का जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग मिल्क, तो हम हमारी क्लीन फेस में इसको अप्लाई करेंगे, हमारे ऑल ओवर फेस में, नेक में 2 मिनट्स तक सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, उसके बाद हम इसको फिर 2 मिनट्स के लिए रखेंगे, और उसके बाद गीले तावल से
हम इसको आराम से पोंछ लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। तो इसे भी हमारे ऑल ओवर फेस में, नेक में 2 मिनट्स के लिए आराम से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है जेंटली। उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम गीले तावल से आराम से इसको पोंछ लेंगे। और उसके बाद बारी आती है मसाज क्रीम की। तो इसको भी हम हमारे ऑल ओवर फेस में, नेक में फिंगर टिप्स की मदद से जेंटली अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा उसको हम गीले तावल की मदद से साफ कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है फेस मास्क की। तो इसे भी हम हमारे पूरे फेस में और नेक में फिंगर या फिर किसी ब्रश की मदद से हमारे ऑल ओवर फेस में अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे। और इसको 10 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और ये ड्राई होने के बाद हम अच्छे से इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद बारी आती है 5th स्टेप की, जो कि है फेस सीरम। तो इसको हम 2 से 3 ड्रॉप निकालेंगे और हमारे फेस में और नेक में लाइटली कवर करते हुए इसको अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद आज का जो लास्ट स्टेप है वो है सनस्क्रीन। तो इसे भी हम हमारे पूरे फेस में और नेक में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद हम खुद महसूस कर सकते हैं कि हमारा फेस जो है कितना ग्लोइंग लग रहा है। तो देखा ना आप लोगों ने 6 स्टेप्स फॉलो करके, मतलब 30 मिनट्स में आप लोगों को घर बैठे सैलून लाइक ग्लो मिल जाएगा। इसलिए मैं न्यूट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे विश को पूरा करने के लिए और मेरे लाइफ को इतना इजी बनाने के लिए। अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रख दूंगी। और हाँ, आप लोग ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इसे परचेस कर सकते हैं। आइसक्रीम बाय दी नहीं जागे बाबा आइसक्रीम को आइसक्रीम सर ये ना फ्रूट्स को मजा जाए ना बाबा दे आइसक्रीम कैसा है? मीठा है। मीठा है ना, घर का तो मीठा ही होता है। कुछ समझा भाई रिया ना, लिखो वाह मोनो भाई शाह डायरेक्ट बिल्कुल खुशा भाई ये मीठा ये एक बार पिज्जा कर ले रिया ना है खपथा भाई सुना खपथा भाई बाबा कुछ आया गुल्ली ने कुछ आया सुना मिंगू अब ये मीठा ना वो वाला पका हुआ है। कौन सा? येलो वाला। ये ज्यादा येलो है, ये सब थोड़ा पका हुआ है। ये वाला, ये वाला, ये हम जितना खा सकते हमने खा लिया, लेकिन कटहल काफी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा साथ में पक जाता है ना, इसीलिए कटहल को जो बचा कटहल है उसको माँ मतलब गुठलिया निकाल रहे है, उसका सब्जी खाएंगे। ये सारा निकाल लेंगे ना, वो अच्छे से पक चुका है। ये भी वही तो, इतना कौन खाएगा। तो अभी हम दीदी के घर के लिए निकल रहे एक्चुअली यहाँ पे पका हुआ कटहल लेके। तो उनको पका हुआ कटहल बहुत ही पसंद आता है, हम तो इतना ज्यादा नहीं खाते। और आज आम टिश्यू है, उनको खाने का मन होगा तो इसलिए लेके जा रहे। और उन लोग के घर में आम लीची वगैरह तो है लेकिन कटहल का फेर नहीं है, तो इसलिए लेके जा रहे। और रियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसका भाई के घर में जाने के हमेशा एक्साइटेड रहता है, बाद में लेके आना मुश्किल पड़ जाएगा हमको। तो चलो जल्द चलते, मैं ऐसे ही निकल गई क्योंकि नजदीकी तो है दूसरा गाँव में, जल्दी से लेके आ जाएंगे। फिर रिंग बस हम दे चलो दादा स्पाइडर टू स्पाइडर मुझे नोरे स्पाइडर वाले हाखले बापरे।
ए हल्क में ना दुष्ट थार माथे चिकांगजु बाबा चिकांगजु मेसी खालाम ना देबे दे मजां से गेले नांगो आयो वाह प्रिंसल बने दे हाय गुड हदन सर हदन इको सर वाह वाह विलेमा ओ कलर फुंदंग नंगा वाह अरे गिला तो अभी हम जाते आ जाओ रियान तो ऑलरेडी बाहर जाके उसको लेके जा सकेंगे कि नहीं पता नहीं सावन फिर पिंदे अंगलम जुबान को आ रो सुना आ रो सुना बाय बाय हैं दे गाइस को अभी मन को बाय बाय हैं खादा उठो लादंग लादंग हो जान से उफ पूरा गर्मी लग गया इसके पीछे भाग के बाय बाय